पठानकोट के हल्का भुआ में पड़ते गांव तरगढ़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव में रहने वाले एक गुर्जर समुदाय की 12 भैंसें अचानक बीमार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मरने लगी, जिसके बाद उसने इसकी सूचना वेटरनरी डॉक्टर को दी, जिसके चलते मौके पर पहुंचे वेटरनरी डॉक्टर की टीम ने आकर इनका इलाज करना शुरू कर दिया। उधर जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे तहसीलदार, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल डॉक्टर द्वारा भैंसों को जो अभी बीमार है उनका इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर जिला परिषद की चेयरमैन भी पहुंचे, जिन्होंने गुर्जर परिवार को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस बारे में पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने सुबह भैंसों को दाना चारा डाला था, जिसके बाद उन्होंने पानी पिया और तड़पने लगी, जिसकी सूचना डॉक्टर को दी, पर 12 के करीब भैंसों की मौत हो चुकी है। फिलहाल डॉक्टर बची हुई भैंसों का इलाज कर रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने और डॉक्टरों ने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। वहीं जिला परिषद के चेयरमैन ने परिवार को भरोसा दिलवाया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सर की होया जिहड़ा मुझे आया तो आयो मौका वेखण की लगता? हाँ, ये इत्थे एक साई दीन पुत्र मनु दीन है गुजरां दा कुल आ, उत्थे उन्हां दे पशुआं दे विच इह प्रॉब्लम होई सवेरे। इत्थे सवेरे धारां तों चोण तों बाद उन्हां ने फीड वगैरह पाई इन्हां नूं, जदों उस तों बाद च पानी पिलाया ते उन्हां दे दस्सण मुताबक पानी पींदिआं सारी पशुआं दे विच हलचल ते अनरैसट जी महसूस की, पशु टकरा टुकरा मारनिया शुरू करते हैं एक दूजे को, तो हौली हौली करके कंबन लग गए, एक एक करके डिगन लग गए। असी नाल दी नाल ही एडमिनिस्ट्रेशन वालों डॉक्टर की टीम भेजती, इतने उन्होंने इलाज भी किया, कुछ जानवर बचे भी है, पर वो तद तक 7-8 जानवर जोड़े मर चुके से पशु। तो हूँ यह है भी हजे डॉक्टर की टीम लगी हुई है इलाज करने वास्ते, जिहड़े 5-7 पशु अंडर ट्रीटमेंट है उन्होंने उम्मीद है भी उन्होंने असं बचा लवेंगे। बाकी जोड़ा नुकसान होया वह कारण पता लगाए जा रहा है भी पानी कोई नुकस है ज फील्ड कोई नुकस है जो की कारण होया, वो डॉक्टर यदा सैंपलिंग वगैरह लैके लैबोरेटरी भेजन के खरड़, उस तो बाद जो रिजल्ट आऊगा वो तो पता लगेगा भी कि ये पिछले कारण की होया। नुकसान का मुआवजा भी सरकार हो? हाँ, असं गवर्नमेंट को लिख के भेजा, जो भी गवर्नमेंट वालों निर्धारित मुआवजा हैगा वो वो तो वह दवाने की कोशिश करा। हाँ जी, अही जे डॉक्टर की टीम इतने जोड़े पशु दस नेड़े तेड़े इन्हों मर गए, साड़ी पूरी टीम जी है इतने सवेरे आई है तो देखे ही जोड़े पशु बच गए है उन्होंने ट्रीटमेंट जारी है। बाकी आप सैंपलिंग जी है ये भेजनी है खरड़ कैमिकल लबोरटरी खरड़, तो उन्होंने आप रेंडमली सैंपल जी है वह करके जड़िया मझा मरिया उन्होंने सैंपल, तो बाकी जड़िया हैल्दी है गए पशु दो सैंपल जोड़े है हैल्दी पशुओं के लल्ले ने जोड़े बच गए, तो एक कैमिकल रिपोर्ट आने तो बाद जी है ये इन्हों पता लगे है कि बीमारी की सी कि करके मरे। हालात की लगते वैसे पॉइजन वगैरह ज किस तरह देखने से इदा ही लगता है कि जिदा मास डैथ हुई है इन्हों पशुओं की, देखने यही लगता भी पॉइजनिंग है, तो अही वास्ते जोड़े है वो फीड दे जी फीड इन्होंने खाधी है पशुओं ने, तो पराली पाई है इन्होंने इन्हों के सैंपल भी जोड़े है पानी वगैरह ये भी नाल भेजते हैं, ये रिपोर्ट आने तो बाद बाकी आप रिपोर्ट जी है बना के तो आप डीसी साहब न देवे या तहसीलदार साहब न। ठीक है, थैंक यू। चेयरमैन साहब की है वैसे तुम आए हो मजा कर मरिया गुजर पता करना आयो कि मैं एक्चुअली सवेरे उठा जो तो बना रहा है तो ML साहब मैं 3 बार फोन आया जी, वो खुद गए चंडीगढ़ तो जो मैं उन्होंने बैकल की मैं कहते यार चेयरमैन साहब इस तरह भी वो पिंड तरगढ़ ना साई कुछ जो डेरा है तो उन्होंने बड़ी माड़ी दुर्घटना वापर गई है, मैं सर क्यों है कहते उन्होंने यार मझा पता लगे 5-6 मझा जो मर गई तो जाके पता करो इमीजिएटली भी की होया की है, कहते मैं डीसी साहब भी फोन करता वा तो डीसी साहब भी प्रशासन वालों कोई ना किसी की ड्यूटी लगी है ज SDM साहब या तहसीलदार साहब आ रहे हैं तो आके देखे इतने बाकी बहुत माड़ी घटना वापरी बहुत माड़ा होया, उन्होंने रीजन की है कारण की है क्यों इस तरह है
वो डॉक्टर साहब मेरी गल हुई है, कहते पोस्टमार्टम की जी रिपोर्ट होएगी, पोस्टमार्टम होएगा मझा का, उस पता चलेगा भी ये पानी में किसी ने कोई मिलावट की है, जिसा जोड़ा इन्होंने डाइट पाई है, खुराक पई है, जो कोई कैमिकल से जोड़े पट्ठे पे इन्होंने पराली वगैरह या होर दूसरा हरा चारा जो भी इन्होंने पाया वो कोई कैमिकल से, यह हूँ जी सारी रिपोर्ट है जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद ही पता लगना। बाकी जो भी होया ओवरऑल बहुत माड़ा होया, गरीब परिवार ना बहुत मतलब कि नुकसान हो चुके जरा कि इसे जो परिवार जो होंगे इसे मतलब कि दुध से ही जड़िया मझा पाल के अपना जो गुजारा करते हैं, पेड़ पालते बच्चे पालते हैं, बहुत माड़ा होना नाल। मैं सरकार भी MLA थ्रू सरकार की भी मंग करा कि ये जी जो नुकसान होया इन्हों की आर्थिक मदद की जाए, इन नुकसान की भरपाई की जाए, जो गरीब परिवार अपना परिवार चला सके, अपना पेट पाल सके। मेरा नाम फकीर मोहम्मद है। गलबात यह हुई है भी राती सुते आराम नाल डंगर ठीक ठाक से, तो सुबह इन्हों खोल पाई, खाल पा के चौकर वोकर पा के ते फिर पानी पीता, तो डंगर बस टैन शुरू हो पे, बस 15-20 डिग पई, फिर काफ़ी बंदे इकट्ठे हो गए, तो असं अ चाहते हैं भी इसकी पूरी छानबीन की जाए और इन्हों गरीब लोगों मुआवजा दिता जाए, इन पशुओं के दारों बता रहे सारे की लगता की कारण है सू लगता कि किसी ने जहरीली चीज़ पानी के पाई गई। मझा कोई 35-40 सी, जिन्हों जिन्हें डंगर ने पानी नहीं पीता वो ठीक है, तो जिन्हें पीता वो खत्म हो गया बीमार हो। इस वे डॉक्टर वगैरह आए आए डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, ये नहीं कि डॉक्टर ने पूरी कोशिश करके बचाने की कोशिश की, पर 10-12 डंगर मर गए, तो बाकी है इस तरह चलेगा तो डेट होना। असं सरकार तो मांग करते हैं इन्हों पूरी पूरी मतलब मुआवजा दिता जाए और इसकी छानबीन की जाए भी होया की कारण है।